नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज फिर आज हूं दोस्तों आप सभी के सामने एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊं। दोस्तों मैं बिग डिपर की 10R की शार्पी लाइट, इसको आज अनबॉक्स करेंगे, साथ में इसकी प्राइस भी जानेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इस तरीके का वीडियो आपको देखने को मिलता रहे, साथ में दीजिए की नई नई आइटमों का आपको रेट भी पता चलता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम दोस्तों इसको अनबॉक्स करेंगे, इसको चला के भी देखेंगे, इसकी वीडियो टेस्टिंग कराऊंगा मैं आपको, और साथ में इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूं इसकी। तो दोस्तों ये हमारे बिग डिपर की 10R शार्पी लाइट, और सबसे बाहरी लुक अगर सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है, इसकी फ्लैट केस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही यूनिक कलर है दोस्तों, ब्लैक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है ये। यहाँ में दोस्तों बटरफ्लाई लॉक देखने को मिलता है, दोनों साइड पे बटरफ्लाई लॉक है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहती है, जल्दी से ख़राब नहीं होता ये लॉक। यहाँ में बिग डिपर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है दोस्तों नीचे यहाँ व्हील देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के व्हील है, जिसमें लॉक भी दिया हुआ है। इसको आप लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। इस साइड दोस्तों हमें हैंडल देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी हैंडल देखने को मिलता है हमें। और दूसरी साइड दिखाता हूँ दोस्तों इसका बैक साइड में दोस्तों हमें बिग डिपर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ क्लम देखने को मिलता है, दोनों साइड बहुत ही मजबूत और काफ़ी अच्छी है। ये स्टॉपर है दोस्तों, जो चार बॉक्स से आप देख रहे हैं स्टॉपर है, इसके अंदर एक शार्पी एक के ऊपर एक रखने के काम में आती है, जिससे कैरी करने में आपको आसानी होगी, कहीं लाने ले जाना हो तो इसके ऊपर एक के ऊपर एक शार्पी आप रख सकते हैं और इसके अंदर वो लॉक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको अनबॉक्स करके आपको इसके अंदर की शार्पी दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको अनबॉक्स करेंगे, पहले सबसे पहले मैं बटर लॉक खोलेंगे दोस्तों इस तरह से, दूसरा बटर लॉक इस तरह से खोलेंगे। तो दोस्तों अंदर से भी फ्लैट केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, यहाँ फोम यूज करा हुआ है, ब्लैक कलर का फोम है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है, आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों मैं शार्पी लाइट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारी शार्पी है, इसको निकाल लेते हैं, काफ़ी भारी है। बॉडी बैग लगी हुई है, दोस्तों यहाँ लॉक देखने को मिलता है हमें, ये हेड लॉक के लिए है, ऐसे इसको अनलॉक कर लेंगे। एक लॉक दोस्तों यहाँ नीचे देखने को मिलता है, इसको भी हम अनलॉक कर लेंगे। अब हमारी शार्पी अनलॉक हो चुकी है, दोस्तों दूसरी शार्पी लाइट निकाल लेते हैं हम। यहां भी दोस्तों में एक पॉली बैग देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहाँ से हम इसको मूविंग हेड को अनलॉक कर लेंगे। अभी अनलॉक हो चुका है हमारी लाइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ्लैट केस दिखाता हूँ अंदर से का। ओवरऑल दोस्तों बात करें तो इस फ्लैट केस की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, फ्लैट केस की काफ़ी हैवी फ्लैट केस बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ हमें एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है, इसके अंदर हम शार्पी की वायरिंग वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हमें दो DMX केबल देखने को मिली, जो DMX से कनेक्ट करने के काम में आएगी। दो पावर कॉन देखने को मिलता है दोस्तों हमें, यहाँ दो पावर कॉन देखने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पावर कॉन है दोस्तों ये। दोस्तों एक यूजर मैनुअल भी हमें यहाँ देखने को मिलता है भीम की,
और दोस्तों हमें कुछ क्लैंप यहाँ देखने को मिलते हैं जो कि हमारी शार्पी को हैंग करने के काम में आएगी, ट्रस पेस को हैंग करने के काम में आएगी। तो दोस्तों ये हमारी दोनों शार्पी है, 10R बिग डिपर की शार्पी है। आ जाओ मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट की, तो यहाँ हमें एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है डीमैक्स की, और पावर एरर की लाइटिंग देखने को मिलती है। साथ में इसके फंक्शन के लिए बटन देखने को मिलता है हमें। सेम दोस्तों इसमें भी वही फंक्शन है, एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और साथ में इसकी मैनुअली बटन देखने को मिल रहे हैं। और बात करें दोस्तों शार्पी की, तो यहाँ हमें बिग डिपर की लोगो देखने को मिल रहा है, ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है बिग डिपर की। काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। 10R दोस्तों यहाँ मेंशन है, बिग डिपर बीम 10R। सेम दोस्तों इसमें भी वही है, यहाँ हमें बिग डिपर की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं इसकी बैक साइड की वीडियो दिखाता हूँ आपको। बैक लुक में दोस्तों अगर बात करें इसकी, तो यहाँ हमें पावर कॉन देखने को मिलता है, यहाँ से पावर प्लग होगा, यहाँ हमें पावर ऑन ऑफ की स्विच देखने को मिलता है, यहाँ एक फ्यूज़ देखने को मिलता है दोस्तों हमें। साथ में यहाँ दोस्तों हमें DMX से इनपुट और आउटपुट करने के लिए पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ DMX से इनपुट होगा, यहाँ से आउट होगा। सेम फंक्शन दोस्तों दूसरे में भी है, यहाँ DMX देखने को मिलता है इनपुट के लिए, यहाँ आउट के लिए DMX देखने को मिलता है, यहाँ पावर ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, और यहाँ पावर कॉन की प्लग देखने को मिलता है, और साथ में एक फ्यूज़ है। तो आ जाओ दोस्तों फटाफट पहले इसको हम चला के देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम पावर कॉन की कनेक्शन करेंगे इस तरह से, ये मैंने लगा लिया है पावर कॉन, सेम ऐसे दूसरे में भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों पावर कॉन लग गया है दोनों में, अब दोस्तों इसको हम पावर देंगे। तो दोस्तों अब इसको ऑन करके देख लेते हैं, हम लाइट आ चुकी है, दूसरा भी हमने ऑन कर लिया है। लोडिंग हो रहा है दोस्तों प्रोग्राम। बस कुछ ही सेकंड में दोस्तों ये ऑन हो जाएगा। बहुत ही क्विक स्टार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम रन मोड को ऑटो पे करेंगे, अभी ये DMX पे है, अब हमने इसको ऑटो पे कर दिया है और ओके कर देंगे। सेम दोस्तों दूसरी साइड भी यही करना है हमें, मेन्यू दबाना है दोस्तों, सेकंड नंबर पे जाना है, रन मोड पे ओके करेंगे, रन मोड पे ओके करेंगे, DMX लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम हटा के ऑटो पे सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों दोनों लाइट हमारी ऑन हो चुकी है, अभी ऑटो मोड पे है। मल्टी कलर है दोस्तों, सारे ही कलर यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें।
तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने दो बिग डिपर की टेनर सर्पी लाइट को अनबॉक्स किया है, साथ में इसकी टेस्टिंग भी कराई है। फिलहाल दोस्तों हम इसको ऑटोमेटिक मोड पे चलाए थे, इसमें डीएमएस नहीं लगाया हमने। डीएमएस लगाएंगे तो इसको आप अपने हाथ से मैनेज कर सकते हो, प्रिज्म वगैरह सेट कर सकते हो। फिलहाल हमने इसको ऑटोमेटिक पे चलाया था और कलर रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिला हमें। तो दोस्तों आप जानना चाहते हो इसका प्राइस 48,000 रुपए है, जी दोस्तों 48,000 का है ये दो सर्पी लाइट विद फ्लैट केस। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस तरह की और नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। फिर हाजिर होता हूँ दोस्तों आप सभी के सामने एक और नई वीडियो में, कुछ नया आइटम लेके आता हूँ। जब तक के लिए नमस्कार।